पहले अगर यहाँ पर बाढ़ आता था तो रास्ता छोड़ दीजिए, घर वगैरह सब डूब जाता था। बहुत सुंदर लग रहा है ना। यहाँ से दिखा रहा है भानपुर 3 किलोमीटर, लेकिन मुझे लग रहा है 3 किलोमीटर से ज़्यादा है, क्योंकि अभी एक गांव क्रॉस करना है, वो गांव ही लगता है 1.5-2 किलोमीटर से ऊपर होगा। मैं तो सोच रहा था मैं कर ही नहीं पाऊँगा, मैं पैदल जा ही नहीं पाऊँगा। अभी बज रहे हैं 5:40, बढ़िया उतर चुका हूँ मैं, अब जा रहा हूँ घर की तरफ, लेकिन मुझे नहीं लगता है मैं जा पाऊँगा, क्योंकि जिस तरह से अंधेरा है यहाँ पर, बड़ा मुश्किल है लगता है जाना। अगर थोड़ा लाइट हो गया तभी जा पाऊँगा, देखता हूँ कब तक निकलता हूँ यहाँ से। और ठंड भी उतना ही है और बहुत ही धुंध पड़ा हुआ है, पूरा अंधेरा है, और इतना अंधेरा है कि कुछ भी ठीक से आ नहीं रहा है। और आज मैंने सोचा है ये कि मैं आज यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर पड़ता है हमारा गांव, तो वो मैं पैदल तय करूँगा, क्योंकि जो मुझे लेकर जाने आने वाले रहते हैं थोड़ा सा उससे मनमुटाव हुआ है, थोड़ा नाराज़ है वो, तो फिर भी मैं अपने से जाऊंगा और किसी को इस बार बोलूंगा नहीं कि हाँ मुझे ले जाओ। लेकिन गांव में बोलने से, किसी को भी बोलने से वो ले जाता मुझे, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा और आज पैदल तय करूंगा। 15 साल पहले की बातें, या लगता है 20 साल हो गया, जब मम्मी के साथ बाज़ार जाता था, उस चीज़ को याद करना है और पैदल जाना है। तो चलिए आपसे बीच में बातें करते चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा कटने के बाद चलेंगे, क्योंकि अभी जाना उचित नहीं होगा। एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, जो कि है सुबह सुबह आप जाओगे ना कहीं पर, जितना मंदिर है, सुबह 4 बजे 5 बजे जब भी आप उठ जाओ, मंदिर में भजन आपको मिलते रहेगा, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही सुंदर लगता है, चारों तरफ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा भजन सुनने में। अभी जहाँ पर मैं हूँ, ये मतलब बाज़ार से निकलने के बाद ये लास्ट गांव है, इसके बाद बीच में मुझे कोई गांव नहीं मिलने वाला है, ना कोई इंसान मिलने वाला है। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को इमरजेंसी रहा तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन कोई भी मिलने वाला नहीं है मुझे। और ये मैंने जानबूझ के किया कि मुझे एक्चुअल में अपना एक कल का ट्रेनिंग हो गया था, तो कल का ट्रेनिंग में मैंने जो करना था कर लिया, लेकिन आज का ट्रेनिंग के लिए मैंने खुद के लिए कल का जो ट्रेनिंग था वो हो गया था, और कल ही कुछ और ही ट्रेनिंग था, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको साइड किया और अपने लिए चेंज किया, जो वर्कआउट आज का था उसको मैंने कल कर लिया। और कल का वर्कआउट था कि थोड़ा रनिंग करना है, कार्डियो टाइप का कुछ करना था, तो मैंने सोचा कल तो मुझे वैसे भी पैदल ही जाना है, तो क्यों ना कार्डियो का जो पार्ट है वो कल के लिए छोड़ दिया जाए।
तो इससे क्या होगा, मेरा काम भी हो जाएगा और आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी। अब देखते हैं कार्डियो कितना अच्छा होता है, क्योंकि 12-13 किलोमीटर लगभग ठीक ही है वॉक करना। अब कितना टाइम लगता है वो मायने रखता है कि हम कितना देर में पहुंच पाते हैं। ये जो नज़ारा है ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, देखकर ही खुशी होती है कि इतना सुंदर आपको गांव छोड़कर और कहीं नहीं मिलने वाला। अगर आपको कुछ देखना है सुनना है तो आपको गांव आना चाहिए, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। 6 महीने में एक बार आ जाओ आप, साल में एक बार आ जाओ और गांव में टाइम स्पेंड करके देखो, कुछ इसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। ये जो सुबह है ना, इतना सुबह मैंने कभी भी मतलब गांव में 15-16 साल हो गया, 17 साल, 2004 के आसपास में मैं इतना सुबह में 1-1.5 महीने के लिए रहा था और उस वक्त इससे भी मतलब धुंध पड़ा हुआ था कि पास में अगर कोई खड़ा हो ना तो वो ही नहीं दिख रहा था। वो चीज़ आज देखने को मिला, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं पहुंचा हूं दरौक के मतलब बाहर में है जो एक जंगल एरिया पड़ता है, तो वहां पर पहुंचा हूं। चलते चलते घर से फ़ोन भी आ गया, मतलब एक अंकल हैं वो फ़ोन किए कि भाई बोलो तो मैं आ जाऊं तुमको ले जाने के लिए, गाड़ियां हैं। तो बोला नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आज पैदल ही आऊँगा क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत महसूस हुआ तो मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगा। तो फ़िलहाल पैदल जा रहे हैं, लेकिन अभी पता चला कि एक और अंकल हैं जो आज हमारे साथ में, वो भी आ रहे हैं। तो वो पीछे हैं, एक ही ट्रेन में थे लेकिन पता नहीं था हमें, तो वो पीछे हैं, मैं आगे चल पड़ा हूँ। अगर रास्ते में मिल गए तो मिल गए, नहीं तो गाँव में तो मिलना ही है ना। और मुझे वैसे भी ज़्यादा सहायता लेने का इच्छा नहीं करता, अगर किसी से हेल्प मांगे और वो अगर मना कर दे तो बहुत बुरा लगता है। तो उससे अच्छा ये है कि क्यों ना हम उनसे जब इमरजेंसी हो तब उनसे कुछ चीज़ें मांगें और फिर वो अगर दे देते हैं तो अच्छे मित्र कहलाएंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा किसी से कभी कुछ मांगता नहीं, अगर दे दिया तो ठीक, नहीं तो मुंह खोलने में शर्म आता है कि अगर बोले और वो अगर ना कर दे तो बहुत बुरा लगेगा, उससे अच्छा हमें मांगना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगा कि और कोई चारा नहीं चल रहा है, तब तो मजबूरी है, तब तो मांगना ही है। ये देखिए पीछे घना जंगल है, छोटा सा है, पहले तो बहुत बड़ा था, अब काट कर सब रास्ता बना रहे हैं और शायद पीछे में कोई कॉलेज वगैरह भी बन रहा है, कुछ लड़के बता रहे थे जंगल के उस पार में। तो अभी देखिए सामने में जेसीबी वगैरह दिख रहा होगा आपको, तो अभी लगभग तो अच्छा खासा ऊंचा कर दिया। इसके पहले वाला जो ब्लॉग आया था उसमें यहाँ तक ये पत्थर नहीं डाला हुआ था, यहाँ तक आगे तक कच्ची मिट्टी ही थी, अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ तक आ गया है, ये पत्थर डाल दिया है लगता है, और 1-2 साल में हम लोग पक्के रास्ते पर गाड़ियाँ चला पाएंगे, क्योंकि ये रास्ता ही सबसे ख़तरनाक है कि इस पर एक तो इंसान कम जाते हैं रात शाम को, दूसरा गाड़ियां नहीं हैं यहाँ, तीसरा रास्ते नहीं हैं अच्छे, रास्ते रहेंगे तभी तो लोग जाना आना करेंगे, ख़राब रास्तों पर कौन जाता है, एक तो लेट होगा ऊपर से डर भी रहता है, तो इसलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जो रास्ता अच्छा हो, दूर भले ही लेकिन अच्छा होना चाहिए। ये अच्छा खासा ऊंचा कर दिया देखिए, मतलब पहले क्या होता था यहाँ पर, अगर बाढ़ आता था ना
पहले अगर यहाँ पर बाढ़ आता था तो रास्ता छोड़ दीजिए, घर वगैरह सब डूब जाता था, लेकिन इतनी ऊंचाई कर दिया इन्होंने कि अब ये रास्ता नहीं डूबने वाला, और सभी बाढ़ में भी बारिश हो पानी जमे सभी अब आराम से लगता है बाज़ार जा पाएंगे, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो अच्छा किया ये गवर्नमेंट ने, एक चीज़ अच्छा किया है, लेकिन ये जब हम छोटे थे तभी करना चाहिए था, अब तो आना ही बंद हो गया गांव, तो इसका क्या मजा ले रोड रहे ना रहे। मेरे हर ब्लॉग में आपने ये जगह देखा ही होगा, ये जगह मैं हर बार दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं हमेशा नमस्कार करता हूँ। मम्मी कहती थी कि इनका बहुत मान्यता है, तो मैं भी ये चीज़ मान कर ही चलता हूँ, है ना। ये है जखराज बाबा। यहाँ पर एक बार ऐसा हुआ था कि मैं इस जंगल को क्रॉस किया, मतलब सीमेंट लिया हुआ था मैं, साइकिल पर सीमेंट लिया हुआ था, घर बन रहा था और साइकिल पर सीमेंट लिया हुआ था। अब हुआ ऐसा कि बोलते ना औकात से ज़्यादा लेने से परेशानी होती है, तो मैं उस वक्त बहुत छोटा था, क्लास 8 में आई थिंक पढ़ता था, तो उस वक्त मैंने क्या किया, 2 सीमेंट की बोरी और एक लोहे का सर्कल, लगभग वो भी लग रहा है 30 किलो के आसपास में हो जाएगा लगभग, वो साइकिल पर डालकर लगता है 100 किलो से ऊपर हो गया, और मैं उसको धक्का मारते मारते लास्ट गांव जो दिखाया था आपको वहां तक आया। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे बहुत तगड़ी प्यास लगी, तो इतना वेट लिया हुआ साइकिल, वो स्टैंड पर तो खड़ा होगा नहीं, और पानी पीने के लिए मुझे स्टैंड लगाना है, उसको एक दीवार पर, मतलब जो दुकान था दुकान का दीवार के पास में रोक कर वहाँ पर एक नल था, पानी पी लिया। अब वहाँ से मुझे डर लग रहा था कि आगे जाऊँगा तो मुझे प्यास लगेगा, तो मैं वो चीज़ करूँगा कैसे, मैं जाऊँगा कैसे। फिर आगे आया, इस जंगल में आया, यहाँ पर पानी पिया, बड़ा देर बैठे 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 सो गया, तो एक भाई आया गांव का ही, बोल रहा क्या हुआ, कुछ हो गया क्या, बोला नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही बस लेट गए थकावट के कारण। उसके बाद हुआ ऐसा कि यहाँ से निकले और बीच में जाकर फिर से परेशानी आ गई, उधर गांव के बीच ये जंगल के बीच में जाकर मुझे बहुत जोर से प्यास लगा, ऐसा प्यास लगा कि अब मैं लग रहा था कि आज मेरा लास्ट दिन है, मैं ख़त्म हो जाऊंगा आज। उसके बाद मैं किसी तरह करते करते एक गांव आपको मैंने पिछले वाला वीडियो में दिखाया था कमरपुर, वहां पर गया पानी पीने के लिए, तो देखा कि पता किया नल है, बोला नल तो है, साइकिल को सटाया एक दीवार में, और फिर जब पानी पीने के लिए गया, खतरनाक नल भी डाला हुआ था, जो साइकिल में पंप डालते हैं ना ऐसे ऐसे करके, वैसा नल था, अगर ऐसे टानेंगे तो पानी ऐसे शायद ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर पानी आता था, उस कारण से मैं पानी जब लेने जा रहा हूँ तो पी नहीं पा रहा था। तो एक अंकल आए और एक फ़ोन आ गया, बाद में बात करते रुकिए। फिर एक अंकल आए और मुझे वो फिर खुद से वो चलाए, एक गिलास लेकर आए और मुझे गिलास दिया, और मैं फिर वो नल को चलाए और मैं पानी पिया। घर पहुंचा तो पता क्या चला कि मम्मी तो एक बैग में झोले में पानी का बोतल डाली थी, लेकिन मैं देखा नहीं था कि उसमें है क्या, और पूरे रास्ते परेशान होते गया था। तो उस दिन भी पानी का बहुत एहसास हुआ था, और एक दिन भी एहसास हुआ था कि मुझे जो पानी जमा होता है ना इसी जंगल के बीच में क्रॉस करते वक्त,
जो पानी नीचे जमा होता है, हाँ, बारिश का पानी, उसको मैंने पिया है। तो एडवेंचर बहुत सारा हुआ है और आगे भी करना चाहते हैं और आप लोगों से बात करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन बोल सकते हैं वैसा नहीं है कि जैसे ही जब मूड हुआ कि अब बाइक में ट्रेवल करेंगे, थोड़ा घूमेंगे, तो कोरोना आ गया। और पहले मैं रेगुलर ही गांव आता था, मैं ट्रेन से नहीं आता था गांव, मैं बाइक से आता था। मुझे बाइक में मज़ा आता है, ट्रेन से मज़ा नहीं आता है ना। ये है भानपुर, तो हमारे गांव का नाम है भानपुर और यहाँ से दिखा रहा है भानपुर 3 किलोमीटर, लेकिन मुझे लग रहा है 3 किलोमीटर से ज़्यादा है क्योंकि अभी एक गांव क्रॉस करना है, वो गांव ही लगता है 1.5-2 किलोमीटर से ऊपर होगा। उस गांव के बाद फिर लगता है कम से कम, हाँ ठीक ही है, 3 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे नागिन बना हुआ है ना रास्ता, रास्ता भी तो ठीक नहीं, दराओं को मोड़। तो ये दराओं को मोड़ में हम लोग आ गए थे, अब चलते हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग का आएगा कमरपुर। तो ये रास्ता बहुत दिन बाद मम्मी अकेले आने नहीं देती थी, तो एक तरह से अच्छा ही था कि माँ बाप है ना जो जानते हैं कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। बच्चे ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, इस कारण से बहुत बड़ा मुसीबत में फंस जाते हैं, मैं भी फंसा हूँ। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारी बातें माने, कुछ बातें अगर मानेंगे तो आप सावधान रहेंगे और आप बच के रहेंगे, एक बार मान कर कोशिश कीजिए। मैं भी बहुत सारी बातें नहीं मानता था, तो अभी तो मम्मी है नहीं, पापा हैं, कोशिश करता हूँ उनकी बातों को मानने का ताकि उन्हें भी तकलीफ़ ना हो और हमारा भी कोई काम का नुकसान ना हो। ये चारों तरफ आप देख सकते हो, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, दूर दूर तक। अगर DSLR भी लेकर आओगे ना तो भी बहुत बड़ा कीमती DSLR रहेगा, तो ही 2-4-10 किलोमीटर की दूरी आपको अगर दिखा दे तो दिखा दे। चारों तरफ दूरी तक कुछ भी नहीं है, कोई गाँव नहीं है, है ना। तो ये तो फिर भी ठीक है, अब तो रोड बन गए, लोग बाइक निकल गए, बाइक लेकर जा रहे हैं। पहले साइकिल ही बड़ा मुश्किल था, किसी के पास साइकिल आ गया तो बहुत बड़ा बात हो जाता था। मेरी याद में लोग पैदल आते थे यहाँ पर। अब रास्ता, ये तो रास्ता इधर का बना है, ये रास्ता देखिए अब टूट भी रहा है, उधर आधा बन रहा है आधा टूट रहा है इधर का रास्ता। चलिए ऊपर वाले की मर्जी हो, फिर भी बन जाए यही बहुत बड़ी बात है, और ऊँचा बनाया है इन्होंने ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये नीचे रहने से और परेशानी सभी को बढ़ जाती है। अभी ऊंचा है तो लोग बाढ़ में भी पैदल चले जाते हैं। ये कमरपुर है, कमरपुर और 1 किलोमीटर रहा, सामने कमरपुर है और इस साइड में जो दिख रहा होगा आपको धुंध के कारण, ओश के कारण दिख नहीं रहा है, तो ये नथनपुर है। ज़्यादा गांव के बारे में मैं भी नहीं जानता तो ज़्यादा नहीं बता सकता, थोड़ी थोड़ी बातें जो जानता हूँ मैं बता पाऊँगा। ये गांव कमरपुर है, लेकिन आइडिया थोड़ा चेंज करेंगे, अभी हम लोग जाएंगे नथनपुर होते हुए, इस गांव के थ्रू जाएंगे। इधर से तो हम लोग पिछले बार बाइक से गए थे, तो आज ये पैदल हम लोग इधर से जाएंगे, ठीक है। ये गांव है नथनपुर और अब थोड़ा सा दूर है पहुंचने वाले हैं, ये सामने पेड़ दिख रहा होगा, वहां से हम लोग बाएं तरफ जाएंगे, वहां एक छोटी सी ब्रिज है
मतलब टूटी फूटी, उसको क्रॉस करेंगे, नहीं तो पानी रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इतना दुराना मेहनत बेकार हो जाएगा। तो ये नदी पार किया, देखिए पास में छोटी सी नदी, मतलब नहीं बोल सकते इसको, एक्चुअली मिट्टी काटा गया है ना, तो काटने के कारण गहरा हो गया है और जानबूझ के इसको काटा गया है पानी को, मिट्टी को, ताकि पानी स्टोर हो सके और लोग खेतों में पानी डाल सके। जब सूखने का वक्त आता है, बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि पूरा मिट्टी सूख जाता है, तो उस वक्त पानी का बहुत परेशानी हो जाता है और हमें पानी नहीं मिलता है, तो इस कारण से ये नदी जैसा है छोटा सा बना दिया गया है ताकि पानी इसमें जमा हो। पहले भी था, लेकिन पहले पानी जमता था और संग संग ख़त्म भी हो जाता था, लेकिन अभी स्टोर रह जाता है, कुछ दिन तक रह जाता है, क्योंकि इसमें गहराई बहुत ज़्यादा है, एक आदमी जाए तो डूब जाए, इतना गहरा है। ये मटर का खेत है, और इधर से जानबूझ के आया। पिछले बार आप लोगों को मैं बाइक से लेकर गया था, गांव के पीछे से घुमा कर लेकर आया था, इस बार मैं सामने से लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना खेत भी देखना था। सुबह सुबह क्या होता है, यहाँ पर जितने लोग हैं वो चोरी कर लेते हैं, मतलब काट लेते हैं उसको घास के लिए, गाय के चारा के देने के लिए, तो उस कारण से अपना नुकसान हो जाता है, तो वो चीज़ ना हो इस कारण से मैं सोचा मैं भी एक बार कर लूँ, एक ही दिन का कोशिश तो कर सकता हूँ मैं, है ना। ये इधर मसूर का खेती है, और लगभग लगभग मैं अपने खेत के पास पहुँच गया हूँ, लेकिन कोई तो दिख नहीं रहा है कि चोरी कर रहा हो, ऐसा कोई नहीं है, मतलब कुछ देर बाद शायद लोग आ जाएं, बट अभी तो नहीं है। हाँ, आज मैं तो सोच रहा था मैं कर ही नहीं पाऊँगा, मैं पैदल जा ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि एक तो रास्ता ख़राब होता है ना, तो पैर ऐसे ऐसे होता है ना, तो पैरों में और दर्द हो जाता है, अगर स्ट्रेट हो तो थोड़ा कम दर्द होता है, प्लेन हो अगर तो फ्लैट टाइप का, लेकिन फिर भी पहुँच गया क्या, इतना दूर तो लोग घूमने आ जाते हैं सुबह शाम, तो ठीक ही है। दूसरे गांव के पास में हूँ, अपना गांव अभी भी दूर है, अभी भी 500-700 meters होगा, 1 kilometer भी होगा, जिस तरह से घूम घूम कर जा रहे हैं 1 kilometer हो जाएगा लगता है,